नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा अंतर जनपदीय 3 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा व कारतूस व 1 राशि बछड़ा, 5 मोबाइल फोन, लगभग 1,00,000 रुपया नगद पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, पूर्व की घटना तो थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा मनीष प्रजापति पुत्र स्वर्गीय इंदल प्रजापति निवासी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित पत्र दिया था कि मैं अपना भैंस व 2 पहिया बैदोर में बांध कर घर में सोने चला गया था। उठा तो देखा कि मेरी 1 भैंस व 2 पहिया बैदोर में नहीं थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या धारा 379 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो उमेश चंद्र यादव, मैं हमराह व स्वाट प्रभारी द्वितीय शिव प्रकाश शुक्ला, मैं टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त आदिल पुत्र मोहम्मद उमर निशानी निवासी ग्राम पटेला थाना कुटा जनपद जौनपुर, लगभग 22 वर्ष, मोहम्मद अकरम पुत्र शमसुद्दीन निवासी पटेला थाना कुटा जनपद जौनपुर, लगभग 29 वर्ष, सलमान उर्फ मोहम्मद सैफ पुत्र नसरुद्दीन निवासी जहांगीर पट्टी थाना सरपताहा जनपद जौनपुर, लगभग 22 वर्ष को समय पुलिस ने हरैया पुल से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 1 राशि बछड़ा, 5 मोबाइल फोन व 99,900 रुपया बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 227/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, मुकदमा संख्या 228/24 3/25 शस्त्र अधिनियम, मुकदमा संख्या 229/24 3/5 A8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। थाना कोतवाली पर 3 अंतर जनपदीय पशु तस्करों की गिरफ्तारी हरैया पुल के पास से की गई है। इनसे 1 बछड़ा, 2 तमंचे व 1,00,000 रुपए इनसे बरामद हुए हैं। इनसे एक पशु चोरी की घटना जो थाना कोतवाली हुई थी उसका अनावरण हुआ है। सलमान जो सरपताहा जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। मोहम्मद अकरम ये खुटन जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 7 मुकदमे हैं। व आदिल ये खुटन जौनपुर का रहने वाला है, इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। शीघ्र इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, प्रॉपर्टी जब्तीकरण व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।